हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे फेयर एंड लवली या फिर ग्लो एंड लवली विंटर ग्लो क्रीम की। तो ये वाली जो क्रीम है ये विंटर के लिए स्पेशल क्रीम है, सर्दियों के लिए ख़ास है ये क्रीम। तो देख लेते हैं इस क्रीम का जो रिज़ल्ट कैसा है, मैंने इसे इस्तेमाल किया है यूज़ करने के बाद। तो ये जो है इसकी डिटेल है सारी इसके पैक पर लिखी हुई है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि इसकी डिटेल में क्या क्या इन्होंने लिखा है। जो है ये इसकी कीमत जो है 66 रुपीज़ है और ये 25 ग्राम का छोटा पैक है जो कि मैंने लिया है, सबसे छोटा पैक लिया है ये। और इसके ऊपर जो इन्होंने डिटेल लिखी है इसमें लिखा है कि ये 24 घंटे हमें मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, हमारे चेहरे की त्वचा को, साथ में हमें ग्लो देता है। और उसी के साथ जो है ये एक क्रीम जो है हमें दो फ़ायदे पहुंचाती है, जैसे कि हमारी त्वचा को ये ग्लो भी करता है, साथ में मॉइस्चराइज भी करता है, जिससे कि हमारी जो स्किन है चेहरे की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो मल्टीविटामिंस हैं जो हमारी त्वचा को नमी बनाए रखने में मदद करते हैं, हमारी जो स्किन है उसे नरम और मुलायम बनी रहती है। तो ये थी इस क्रीम के पैक पर लिखी हुई इसकी डिटेल जो कि इन्होंने लिखी है, लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में। तो ये जो छोटा सा ट्यूब है ये विंटर के लिए ख़ास है, तो जैसा कि इस पर लिखा भी है कि ये विंटर ग्लो की स्पेशल क्रीम है तो सर्दियों के लिए ही है, तो छोटी सी ट्यूब है तो हम इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि ये जो क्रीम है इस्तेमाल करने के 24 घंटे तक हमारी स्किन पर जो है नमी बनी रहती है या मॉइस्चराइज रहती है। मेरी स्किन ड्राई है और मुझे 3 से 4 घंटों तक ही अपने चेहरे पर जो है इसका असर महसूस हुआ है। और इसे लगाने का तरीका ये है कि हमें थोड़ी सी क्रीम अपने चेहरे पर और गर्दन पर दोनों जगहों पर लगाकर हल्के हल्के हाथ से हमें इस तरीके से हमारे चेहरे पर ये क्रीम का मसाज कर लेना है। और ये क्रीम हम दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम मॉइस्चराइज़र के साथ साथ हमारी स्किन को ग्लो भी देती है, तो इसे ऑल स्किन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन वालों के लिए ये लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस महसूस होती है, क्योंकि मैंने इसे इस्तेमाल किया है और मेरी त्वचा जो है वो ड्राई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ड्राइनेस महसूस हो रही थी, तो मैंने इसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है और मैंने इसे सिर्फ दिन में 1 बार लगाया था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ड्राइनेस महसूस होने लगा, तो मैंने इसे कम ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। और बात करें इसकी चिपचिपेपन की, तो ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, नॉन स्टिकी है और हमें हमारे फेस पर लगाने के बाद बिल्कुल भी चिपचिपा जैसा महसूस नहीं होता है, हल्का सा ग्लो आ जाता है। उस हिसाब से हम इसे विंटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था इस क्रीम का रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे, रिव्यू पसंद आए, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।